प्रदेश में शराब को लेकर एक बड़ा मुद्दा सामने आया है, जहां छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के शोरगुल के बीच आज विधानसभा में इस बात की जानकारी दी गई है कि सरकारी शराब दुकानों से 10 महीने में 5,525 करोड़ 99 लाख रुपए शराब बिक्री से राजस्व सरकार के खाते में जमा हुआ। जहां बजट सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में सरकार से विधायक सौरभ सिंह ने लिखित में सवाल किया और पूछा गया कि आबकारी विभाग से कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई, जहां पिछले तीन वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष 6 फरवरी 2023 तक विभाग से कितना राजस्व मिला है और इसकी सालाना जानकारी मांगी गई है। इसके जवाब में जो आंकड़ा निकल कर आया है उसके मुताबिक प्रदेश में 5,525 करोड़ 99 लाख रुपए की शराब बिक्री से राजस्व सरकार के खाते में आया है और ये आंकड़ा 1 अप्रैल 2022 से 6 फरवरी 2023 का है, यानी राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति में शराब बिक्री से मिले राजस्व का बड़ा योगदान रहा। मतलब कि देखा जाए तो सरकार के लिए सबसे बड़ा योगदान शराब की दुकानें ही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट के लिए CG36 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर करें। मिलते हैं और अपडेट के साथ अगले वीडियो।